तो दोस्तों देखा होगा आपने कि नाइट की स्पेलिंग में KNIGHT लिखा होने के बावजूद भी इसको नाइट पढ़ा जाता है, KNOW नो को नो की जगह पे नो पढ़ा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्पेलिंग्स क्यों होती हैं, जब किसी लेटर को पढ़ना ही नहीं है तो लिखने का औचित्य क्या है। चलिए वो लिख भी दिया है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कब कौन सा लेटर साइलेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में आपकी इस समस्या का समाधान किए देते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है और सारी चीजें सीखनी है, और इसके बाद आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो अब समय वेस्ट नहीं करते हुए आ जाते हैं मुद्दों पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि के कहां पर साइलेंट होता है। दोस्तों ये शब्द जिन्हें हम स्पेलिंग में नहीं पढ़ते हैं ये कहलाते हैं साइलेंट लेटर्स, ठीक है। मतलब KNOW में जिस के का उच्चारण या प्रोनंसिएशन हमने नहीं किया है दैट इज कॉल्ड साइलेंट लेटर्स, ठीक है। तो जिन वर्ड्स का हम जिन अल्फाबेट का एक्चुअल में उच्चारण नहीं करते हैं इंग्लिश बोलते समय, वो साइलेंट लेटर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं के का रूल, ठीक है। के कहाँ साइलेंट होता है, किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है, ध्यान से सुनिएगा, के बाद क्या आता है, एन, और उसके बाद कोई वॉवेल, वॉवेल जानते हैं ना, पांच AEIOU है ना, वॉवेल साउंड, पांच वॉवेल होते हैं इंग्लिश में। तो ऐसी स्थिति में मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली के को साइलेंट माना जाता है। देखिए स्पेलिंग, KNOW नो, KNIGHT नाइट, KNIFE नाइफ, और नॉलेज यहां पर सभी में स्टार्टिंग में किए था और उसके बाद एन भी था। और गौर से देखिए इन एन के बाद कहीं आई, कहीं ओ, कहीं आई और कभी फिर ओ है, जो चार स्पेलिंग आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मित्रों हम के को साइलेंट रखेंगे। आई होप ये क्लियर है। कुल मिला के बाद जब एन आए और एन के बाद कोई भी वॉवेल साउंड आए या वॉवेल लेटर आए तो उस के को हमको साइलेंट रखना पड़ेगा, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं एस का नियम, एस कहाँ साइलेंट होता है। तो दोस्तों यदि स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच में होता है, ध्यान से देखिएगा, आई और एल के बीच में आता है तो वहां पर उस एल को साइलेंट माना जाता है। अब देखिए पहली स्पेलिंग ISLAND, हम क्या बोलते हैं जनरली, आइसलैंड। दोस्तों वो आइसलैंड नहीं होगा क्योंकि यहां पर आई और एल के बीच में एस है, तो पढ़ेंगे आइलैंड। क्या पढ़ेंगे, आइलैंड, बोलिए आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्पेलिंग देख लेते हैं, ISLET, क्या पढ़ते हैं, आइसलेट, रॉन्ग है, क्या पढ़ना है, आइलेट, क्या पढ़ेंगे, आइलेट। एक और वर्ड है आपके लिए ISLE, क्या पढ़ेंगे, आइजल, नहीं आयल, क्या पढ़ेंगे, आयल। बोल के देखिए और सही प्रोनाउंसिएशन करने का मजा भी देखिए। तो आई होप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी, इन्हें घर पर रिवाइज करना ना भूलें। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, दैट इज बी। लेट्स नो कि वी कहाँ साइलेंट होता है, बी फॉर बॉल। तो देखिए यदि किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है, काई के बाद आता है, एम के बाद, तो ऐसी स्थिति में मित्रों बी साइलेंट होता है। देखिए बॉम्ब, BOMB, बॉम्ब, क्या पढ़ते हैं अपन, बॉम्ब, गलत है, सही क्या होगा, बॉम्ब, बॉम्ब। कॉम्ब, COMB, कॉम्ब, जो हम पढ़ते हैं, सही क्या है, कॉम, क्योंकि एम के बाद बी आया है और एज पर रूल वेन बी इज प्रिसीडेड बाय एम इन दैट कंडीशन बी रिमेन साइलेंट, साइलेंट। थम देखिए, थम, THUMB, थम्ब, तो थम नहीं पढ़ेंगे, थम, क्या पढ़ेंगे, थम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला रूल देखते हैं इसी का, अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है, काय के पहले आता है, टी के पहले, तब भी वो साइलेंट होगा। देखिए डेप्थ, अपन क्या पढ़ते हैं, DEBT, डेप्थ, होता क्या है, डेट, डेटर शब्द सुना होगा अपने, अकाउंट्स वाले अच्छे से जानते हैं। डाउट, क्या पढ़ते हैं अपन, डाउट, ना कि डाउट, डाउट, DOUBT, डाउट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेटर, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया, DEBTOR, डेटर, ना कि डेप्टर,
आई थिंक क्लियर है, बहुत मजेदार रूल है। तो आप देख पा रहे हैं बी के बाद में एम, बी के पहले एम आए और बी जो है टी के पहले आए, ऐसी स्थिति में बी साइलेंट होता है। ठीक है, अगले रूल की तरफ चलने से पहले आप मुझे कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा लग रहा है। अगला रूल है डब्ल्यू का। दोस्तों यदि वर्ड की शुरुआत में डब्ल्यू के बाद आर आता है, क्या आता है डब्ल्यू के बाद आर, तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता है, जैसे कि डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। तो देखिए डब्ल्यू के बाद आर आ गया है तो हम इसको राइट पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू हो गया साइलेंट। रॉन्ग में भी देखिए और रिस्ट में भी देखिए कि हमने डब्ल्यू के बाद आर आने के कारण डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत हु से होती है तो सामान्यतः डब्ल्यू वहां भी साइलेंट होता है, हु देख लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आखिरी नियम है दोस्तों एच का, एच कहां साइलेंट होता है। तो यदि किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल के पहले आता है, वॉवेल जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो ऐसी स्थिति में एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। वॉवेल के बारे में डिटेल जानना है कि वॉवेल वॉवेल क्यों होते हैं, तो इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ रहा हूं। तो देखिए एच यदि किसी वॉवेल के पहले आता है, ठीक है, तो एच साइलेंट हो जाता है। देखिए ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। आर आर एच ओ यू आर, एच के बाद ओ यानी कि वॉवेल आया तो एच साइलेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑनर, क्या पढ़ते हैं, ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर, ना कि हॉनर। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम एच को साइलेंट रखते हैं। मोस्टली जब स्पेलिंग में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच आता है तो ऐसी स्थिति में उस एच का उच्चारण नहीं होता है। हम वाई नहीं पढ़ते हैं, वाई, क्या पढ़ते हैं, वाई, वॉट, वैन, वेयर। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको। तो आज हमने एच डब्ल्यू बी एस और के साइलेंट के नियम सुने कि ये वर्ड्स कहाँ पर साइलेंट होते हैं। आई होप ये सारे अल्फाबेट कहाँ साइलेंट होते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब समझ में आई है तो यू नो वेरी वेल कि यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, है ना, उन्हें भी बड़ा मजा आएगा जान के ये साइलेंट लेटर की मिस्ट्री क्या होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, जय हिंद।